अनलॉक वन के पहले दिन मोदी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में सरकार की ओर से कई अहम फैसले लिए गए। प्रेसवार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बैठक में किसानों एमएसएमई को लेकर कई फैसले लिए गए हैं। जावड़ेकर ने कहा कि मजबूत और महत्वपूर्ण भारत के निर्माण में एमएसएमई की बड़ी भूमिका है। जावड़ेकर ने कहा कि एमएसएमई की सीमा 25 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की गई है। भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को संशोधित किया है। बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उससे रोजगार बढ़ने में मदद मिलेगी। देश में 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई की अहम भूमिका है। लोग अपना कामकाज ठीक से कर सकें इसके लिए सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। एमएसएमई को लोन देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए लोन देने का प्रावधान है। सैलून, पान की दुकान और मोची को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। एमएसएमई में लोन देने के लिए 3 लाख करोड़ की योजना है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की योजना लाई गई है जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का लोन मिल सकेगा। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये आईटी प्लेटफॉर्म मदद करेगा। डिजिटल ट्रांजैक्शन को इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहला नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2021 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50 से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे।